आज गुरु नानक देव जी का बर्थडे था तो मुझे लगा कि कोई ना कोई मीठे की रेसिपी तो शेयर करनी बनती है, क्योंकि मैं उनको बहुत बहुत एडमायर करती हूँ और बहुत उनको पसंद करती हूँ। उनके जो भी उनकी जो सीख है वो बहुत ही अच्छी है। तो ये बहुत ही कम तेल में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बेसन की बर्फी, जो कि सीक्रेट है इसमें कैसे कम तेल, मतलब घी में तेल बोल रही हूँ मैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बेसन को ड्राई रोस्ट करना है। बेसन ड्राई रोस्ट होने से हल्का होता है, ठीक है। ऐसे फिर उसमें 2-3 चम्मच मैंने सूजी ही डाले। और इसका सीक्रेट ये होता है कि आपको तेल जो है या घी है वो एक साथ नहीं डालना, आपको 2-2 चम्मच डालना है। 2-2 चम्मच जब डालोगे ना तो जैसे ही पहला वाला घी एब्जॉर्ब होगा तो उसके बाद फिर धीरे धीरे 2 चम्मच और डालना। तो धीरे धीरे घी ऐसे, क्योंकि बेसन हल्का हो गया ना तो हल्का और वार्म है ऑलरेडी, तो उसने क्या होगा वो तेल जो है घी वो कम पिएगा। तो ये सीक्रेट है। और इसमें देखना मैंने बहुत कम, जो नॉर्मली अगर जितना बेसन लिया तो एक कटोरी आपको उतना ही घी डालना पड़ता है अगर आप इनिशियली डालोगे। तो इस तरह से धीरे धीरे जब डालोगे ना तो आपको कम घी में और वैसा ही स्वाद आएगा। तो आपको अच्छी तरह इस तरह भूनना है, जब अच्छी सी फ्रेग्रेंस आए और आपको कलर भी चेंज हो जाता है। तो मैंने इसमें बादाम डाल दिए, बादाम डाले, देखो हो है वही चीज़, ठीक है। बस तरीका होता है क्या, सब चीज़ें इतनी सारी रेसिपी तरीका तो वही है। तो मैं ये ऐसे बनाती हूँ जिससे कि मॉडरेशन में भी रहे, चीज़ खानी भी है, बट अगर हम मॉडरेट तरीके से चीज़ें कुछ कर लें तो कोई बुराई नहीं होती मेरे हिसाब से, क्योंकि घी तो चाहिए चाहिए, पर अगर मॉडरेशन में हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब उसके बाद आपको गैस जो है बंद कर देनी जब ये, और जब ये बेसन अच्छी तरह से भुन जाएगा तो अभी इसमें चीनी भी है, धीरे धीरे डालनी है चीनी, एक बार में नहीं डालनी। तो 1 मिनट रुकना, फिर आप चीनी डालना, थोड़ा सा दूध 2-3 चम्मच डालना, फिर चीनी डालना और 1-2 चम्मच दूध डालना और इनको मिक्स करना। फिर मिक्स करने के बाद आपको एक ट्रे को ग्रीस करना है और ग्रीस करके उसको इसको फ्लैट कर देना, सेट कर देना और इसको ठंडा करना और काटना। और इतनी ज़बरदस्त बनती है हलवाई वाली बर्फ़ी जैसे आप खरीदते थे ना, तो सेम वैसी बर्फ़ी बनेगी। और बहुत ही ज़्यादा इजी है ये रेसिपी, तो ये मैं उनको डेडिकेट कर रही हूँ उनके बर्थडे के लिए। तो आज सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये बर्फ़ी इन्जॉय करना प्लीज़, और बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।